वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुजरात सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग स्टूडियो दुनिया में मैं इंजीनियर चेतन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि मंडे शाम को 7 बजे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाने कोर्स में जितने भी इंजीनियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए डाउट सेशन कंपलसरी कराते हैं यहाँ पर एस्टिमेशन एंड प्लानिंग पार्ट के लिए। आप लोगों को पता है पूरे वीक में हम यहाँ पर डाउट सेशन कंडक्ट कराते हैं आप लोगों के लिए कि संडे को शाम को 7 बजे होता है आपका बिलिंग इंजीनियरिंग का डाउट सेशन, मंडे को होता है आपका एस्टिमेशन प्लानिंग का डाउट सेशन, ट्यूसडे होता है रैबिट आर्किटेक्चर का डाउट सेशन, वेडनेसडे को होता है आपका ऑटोकैड का डाउट सेशन, थर्सडे में होता है आपका ईटेप्स का डाउट सेशन और फ्राइडे को होता है आपका क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस और एमएसपी का डाउट सेशन और संडे में होता है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल का डाउट सेशन। ये कंप्लीटली वीक है और इस वीक में हम कंप्लीटली डाउट सेशन कंडक्ट कराते हैं अपने इंजीनियर्स के लिए, लेकिन आज का डाउट सेशन स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि आज का डाउट सेशन कंप्लीटली मैं ओपन टू ऑल सभी के लिए यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। जो भी यहां पर मुझे सुन रहे हैं सभी के लिए ये डाउट सेशन मैंने कंडक्ट कराया आप लोगों के लिए। आज के जो डाउट लिए जाएंगे वो कंप्लीटली पहले मैं डाउट ले रहा हूं उन सभी इंजीनियर्स के जिन्होंने कंप्लीटली इस पूरे वीक में मुझे डाउट्स भेजे हैं और साथ के साथ आज मैं आपको एक एसओआर जो कि एक पीडब्ल्यू स्टेट पीडब्ल्यूडी का एसओआर जो कि है बेस्ट बंगाल पीडब्ल्यूडी एसओआर को आज मैं रीड आउट करना सिखाऊंगा क्योंकि एक इंजीनियर को कुछ इशू आ रहा है अपने स्टेट के एसओआर को रीड आउट करने में, तो वो भी आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले चलता हूं, यहां पर एक डाउट आए हैं, यहां पर कुछ डाउट्स हैं, ये ऐसे ही मैंने पूरी स्लाइड्स यहां पर रेडी करी आप लोगों के डाउट्स के लिए। दोस्तों हो सकता है ये आपका डाउट ना हो, आपने पूछा ना हो, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल देने वाला है। जब आप एस्टिमेशन पार्ट बिलिंग पार्ट जब आप रीड आउट करते हैं, जब आप बनाते हैं खुद से एस्टिमेशन, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये डाउट्स, क्योंकि ये डाउट्स अगर किसी ने निकाले हैं अपने मन से तो आप लोगों के मन में भी वो डाउट हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। तो यहां पर समझते हैं, सबसे पहले एक डाउट है अब्दुल मुकद्दर का जो पूछते हैं, सर स्लैब कास्टिंग से पहले जब हम कॉन्क्रीट का वॉल्यूम निकालते हैं तो हम लोग लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट लेके टोटल वॉल्यूम ले लेते हैं, तो उसमें स्टील का वॉल्यूम डिडक्ट नहीं करते, प्लीज रिप्लाई सर। बिल्कुल अब्दुल जी, अब्दुल यहां पर एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आईएस कोड 1200 पार्ट नंबर 7 जो कि कंप्लीटली स्टील वर्क के लिए अलाउ किया गया है। अब क्या होता है, हमारे कंक्रीट के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है हमारे स्टील की क्वांटिटी, दैट इज अलग अलग हमारी परसेंटेज होती है। अगर मैं बात करूं तो अलग अलग परसेंटेज क्या होगी, वो परसेंटेज जैसे फुटिंग की बात करूं तो 0.8%, 1%, 2% ऐसे परसेंटेज आती है जो कि वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट के हिसाब से वो नेग्लिजिबल होता है, और इतने नेग्लिजिबल पार्ट का हम किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं करते। इसलिए यहां पर स्टील की क्वांटिटी का कभी भी कॉन्क्रीट के वॉल्यूम से डिडक्शन नहीं होगा। आईएस कोड 1200 पार्ट नंबर 7 ने भी कंप्लीटली इस बात को दर्शाया है कि किसी भी पार्ट का हम स्टील के क्वांटिटी को डिडक्ट नहीं करेंगे अपने कंक्रीट के वॉल्यूम से, क्योंकि वो क्वांटिटी एकदम नेग्लिजिबल है। आईएस कोड या गवर्नमेंट एसओआर एक बात जरूर बोलते हैं आप लोगों से कि किसी भी तरह का या तो नेग्लिजिबल आइटम हो या कोई एरिया ऐसा हो जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसे आइटम का कभी भी हम डिडक्ट नहीं करते हैं। अब यहां पर एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, मान लीजिए कंक्रीट पार्ट है और कंक्रीट पार्ट में कोई पाइप आ गया आपका, जैसे स्लैब कास्टिंग के दौरान एक पाइप आ जाता है, तो अब क्या करें, अगर उसका आपका एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर से छोटा है तो किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं करेंगे, 0.1 स्क्वायर मीटर से यदि बड़ा है तब हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। चलते नेक्स्ट डाउट पे जो कि पूछा है यहां पर कि सर डीपीसी हमारा स्क्वायर मीटर में रहेगा या ओनली बिलिंग टाइम पे हम क्यूबिक मीटर में शो किया जाता है। देखिए यहां पर जो आपने डाउट पूछा है यहां पर एक बात मैं यहां पर कंप्लीटली बताऊं, देखिए डैम प्रूफ कोर्स क्यों देते हैं हम, कि हमारे बिल्डिंग में जो सीपेज आती है उस सीपेज से बचने के लिए हम डैम प्रूफ कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल यहां पर हो गया। अब उसकी थिकनेस लेते हैं हम यहां पर, रेंज एक्चुअल में 25 mm से लेकर 50 mm की एक रेंज है। अब यहां पर जो गवर्नमेंट एसओआर होते हैं वो क्या कर देते हैं, यहां पे फिक्स कर देते हैं या तो 40 mm या 50 mm या 25 mm, ये फिक्स हो गई एक, क्या उसकी थिकनेस फिक्स कर दी हमने। और जहां भी मैं एक बात बोलता हूं आप लोगों से, या तो कोई तीन डायमेंशन, जैसे आपने कहा लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है तीन डायमेंशन, इन तीन डायमेंशन की यदि मल्टीप्लाई करते तो निकलता है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकला तो किसमें हमने निकाला इसको, क्यूबिक मीटर में, जैसा कि यहां पर लिखा है क्यूबिक मीटर। अब क्यूबिक मीटर मतलब कि जैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं तो उसकी यूनिट होगी क्यूबिक मीटर, लेकिन अगर मैं लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई ऊंचाई या लंबाई ऊंचाई मतलब दो डायमेंशन की मल्टीप्लाई करूं तो स्क्वायर मीटर में। अब दोस्तों यहां पर हमारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के नॉर्म्स कहते हैं यदि कोई सी भी एक डायमेंशन जो कि फिक्स्ड हो, जो कि पहले से पता है इतने एमएम का हमें प्रोवाइड करना है, इतने सेंटीमीटर का प्रोवाइड करना है, जैसे प्लास्टर का केस, तो प्लास्टर के केस में हमको पता है यदि स्लैब पे प्लास्टर करेंगे तो 6 mm का होगा, वॉल पे करेंगे
करेंगे तो 12 mm या 15 mm का होगा, जो कि फिक्स्ड कंडीशन है। तो इसलिए हम 6 mm, 12 mm, 15 mm को कंसीडर ना करके उसका अगर वॉल के केस की बात करूं तो लंबाई ऊंचाई की मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए स्क्वायर मीटर में निकालते हैं। यदि मैं स्लैब की बात करूं तो लंबाई चौड़ाई की मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर मीटर में निकलेगा। अब लेकिन डैम प्रूफ कोर्स में क्या हुआ ऐसा? डैम प्रूफ कोर्स में भी डायमेंशन फिक्स्ड है, क्योंकि 40 mm या 50 mm का ही हम प्रोवाइड करते हैं उसकी थिकनेस को। थिकनेस की बात करूं तो स्क्वायर मीटर में होना चाहिए, बिल्कुल स्क्वायर मीटर में। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का यदि हम दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स पढ़ेंगे, चाहे किसी भी ईयर का हो, आपको स्क्वायर मीटर में ही रेट फाइंड आउट करवाया गया है, चाहे आप एस्टिमेशन करें चाहे आप बिलिंग करें। लेकिन अब यहां पे एक ट्विस्ट आ गया, कुछ गवर्नमेंट एसओआर जो कि पीडब्ल्यूडी के स्टेट पीडब्ल्यूडी के एसओआर हैं, उन्होंने इसको क्यूबिक मीटर में कंसीडर कराया, तो क्यूबिक मीटर में उसको हमको लेना पड़ता है। इसलिए मैंने भी जो एस्टिमेशन है उसमें मैंने जो एस्टिमेशन पार्ट है वो जो ड्रॉइंग लिया वो कंप्लीटली छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी का एक सैनिक स्कूल का मैंने ड्रॉइंग कंप्लीटली यहां पर लिया है आप लोगों के लिए, जिसको मैंने पूरा सॉल्व आउट कराया और छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी का एसओआर रीड आउट करना, क्योंकि पूरा अगर मैं बात करूं ऑल ओवर इंडिया आइटम सेम रहेंगे हमारे, किसी भी गवर्नमेंट एसओआर के। रेट में फ्लक्चुएशन क्यों होता है आपको भी पता है, रेट में फ्लक्चुएशन क्यों होगा, क्योंकि हो सकता है आपके स्टेट में रेट डिफरेंट हो, दूसरे स्टेट में रेट डिफरेंट हो, दूसरे तीसरे स्टेट में रेट डिफरेंट हो। इसलिए हमने सीपीडब्ल्यूडी जो कि ऑल ओवर इंडिया वर्क करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो कि बिलिंग पार्ट में हमने कंप्लीटली सीपीडब्ल्यूडी का एक एक आइटम को रीड आउट करना सिखाया हमने अपने बिलिंग पार्ट में। इसके बाद चलते हैं यहां पर नेक्स्ट डाउट जो कि है यहां पर कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेशन एंड क्वांटिटी सर्वे। ऋतिक पूछते हैं मुझसे कि क्या डिफरेंस है एस्टिमेशन में और क्वांटिटी सर्वे में। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है एक्चुअल में, मैं भी बहुत बार बताना चाहता हूं कि एस्टिमेशन और क्वांटिटी सर्वे लोग समझ सकें, क्योंकि एक मोटिव चेंज हो जाता है यार आप लोगों का जब आप एस्टिमेशन पार्ट में आते हो, आप उसमें क्वांटिटी सर्वे ढूंढते हो, लेकिन क्वांटिटी सर्वे इज द डिफरेंट पार्ट, एस्टिमेशन इज द डिफरेंट पार्ट। अब मैं यहां पर रिलेट करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि क्या डिफरेंस है एस्टिमेशन में और क्वांटिटी सर्वे में। एस्टिमेशन मतलब कि जिसमें हम कंप्लीटली एक स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन प्रोसेस करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन के टर्म में बात करूं, मान लीजिए मेरे पास ये बॉटल है और इस बॉटल को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के लिए अलग अलग आइटम्स हैं, मतलब सबसे पहले इस बॉटल को हमने मैन्युफैक्चरिंग की होगी, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल मंगाया होगा, उस रॉ मटेरियल के बाद इस मैन्युफैक्चरिंग हुई, मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसमें पानी भरा गया, पानी भरने के बाद ये स्टिकर लगाया गया, कैप को लगाया गया, कैप को सील किया गया, उसके बाद पैकेजिंग करके बॉक्स में पुट कर दिया, दैट इज कॉल्ड मेकिंग ऑफ दिस बॉटल। सेम ऐसे ही हमारे बिल्डिंग की क्या होती है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है हमारे बिल्डिंग का। वो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे होगा कि सबसे पहले हमें कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हमें साइट को क्लीन करना होगा, दैट इज द फर्स्ट आइटम ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। सेकंड आइटम एक्सकवेशन, जितने लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाना कोर्स में जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है ये सभी आइटम्स के बारे में कि किस किस तरह से हम आइटम्स को पहुंचाते हैं हैंड ओवर तक। फिर उसके बाद सैंड फिलिंग, पीसीसी, फुटिंग, कंक्रीट फुटिंग, शटरिंग, पेडेस्टल कॉलम, शटरिंग, बैक फिलिंग, वन लाइन ब्रिक वर्क, वन लाइन ग्राउंड बीम, कंक्रीट ग्राउंड बीम, शटरिंग, ब्रिक वर्क अप टू डीपीसी बॉटम, डीपीसी बिटुमिन कोट, प्लिंथ फिलिंग, फ्लोर पीसीसी, वन लाइन ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर। इस तरह से कंप्लीटली हम जाते हैं और ये सभी पार्ट एक्सप्लेन किए हैं मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाना, सभी को यहां पे आशा करता हूं समझ में तो आया होगा कंप्लीटली यहां पर। अब यहां पर ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के आइटम्स है, ये क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के आइटम, अब इनकी हम कैलकुलेशन करते हैं, किसमें करते हैं, या तो वॉल्यूम हो सकता है, मोड ऑफ मेजरमेंट, या एरिया हो सकता है, या रनिंग मीटर हो सकता है, या आपका यहां पे मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब यहां पे मास निकाल सकते हैं इसका, या यहां पर हम नंबर ऑफ पीसेस जिसको एनुमरेटेड क्वांटिटीज बोलते हैं, एनुमरेटेड क्वांटिटीज मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ये मोड ऑफ मेजरमेंट होता है। केवल 5 मोड ऑफ मेजरमेंट से पूरा एस्टिमेशन, पूरे बिल्डिंग का एस्टिमेशन सॉल्व हो जाता है, जो हमने अपने पार्ट में यहां पे कोर्स में सिखाते हैं। अब दोस्तों यहां पर एक चीज समझे, उन आइटम्स की यदि मैं इन 5 की यूनिट की बात करूं तो वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक मीटर, एरिया की यूनिट होती है आपके स्क्वायर मीटर में, इसके बाद आपका इनुमरेटेड क्वांटिटी की यूनिट होती है नंबर पर पीस या ईच में, इसके बाद आपका मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है केजी में, और साथ में रनिंग मीटर मतलब मीटर में जिसकी यूनिट होती है। तो इन 5 यूनिट में ही हम अपना एस्टिमेशन सॉल्व करते हैं। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर डीपीसी सॉल्व किया फॉर एग्जांपल, तो डीपीसी की यूनिट चलो क्यूबिक मीटर या स्क्वायर मीटर हो गया, तो हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं, मतलब इस बॉटल में कितना क्यूबिक मीटर पानी भरा, दैट इज कॉल्ड इसका क्या है, क्वांटिटी। अब इस बॉटल के अंदर पानी तो भर दिया, लेकिन खाली बॉटल थोड़ी नहीं, इसके अंदर हमने कुछ मिनरल्स मिलाए हैं, वो मिनरल्स की क्वांटिटी क्या होगी, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सर्वे। इतना ही तो समझना है, इस वाटर, ये ओवरऑल वाटर इज कॉल्ड एस्टिमेशन, और इस वाटर के अंदर, इस वाटर के अंदर जितने मिनरल्स मिलाए हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सर्वे। सेम हमारे बिल्डिंग में अगर मैं कॉन्क्रीट की क्वांटिटी निकाल रहा हूं
किसमें क्यूबिक मीटर के फॉर्म में निकलेगी, कॉन्क्रीट की क्वांटिटी, ब्रिक की क्वांटिटी निकाल रहा हूं, ऑब्वियसली क्यूबिक मीटर के फॉर्म में निकलेगी, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। अब मैं उस क्वांटिटी का इंडिविजुअल मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड आउट करूंगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सर्वे, इसको बोलते हैं क्वांटिटी सर्वे। एक पार्ट और आता है इसमें, इसी पार्ट के पूरा कंप्लीट करने के लिए एक पार्ट और आता है, वो होता है रेट एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब चैनल पर भी, आप लोगों ने देखा हो, कल भी एक वीडियो अपलोड किया था, इससे पहले भी 4 से 5 वीडियो रेट एनालिसिस पार्ट के लिए ऊपर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, और वहां पर कंप्लीटली मैंने ट्री का एक छोटा सा पार्ट होता है ट्री, लेकिन नहीं आता इंजीनियर्स को करना कि ट्री का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं, वो रेट एनालिसिस कंप्लीटली मैंने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था, आप लोग जाकर देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पर कैसे कैसे रेट एनालिसिस के वीडियो और मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं कि आप लोगों की लर्निंग इंक्रीज होती रहे। तो आशा करता हूं यहां पर ऋतिक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैंने दिया आप लोगों को, कंप्लीटली समझाया एक एग्जांपल के माध्यम से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि किस तरह से यहां पर और भी डाउट्स पूछे गए हैं। संजीत पूछते हैं, सर इन महाराष्ट्र डीएसआर फॉर्मवर्क इज इंक्लूडेड इन आरसीसी पार्ट, ठीक है, सो हाउ विल आई सॉल्व व्हेन वी सॉल्व आरसीसी पार्ट एंड फॉर्मवर्क पार्ट सेपरेटली। संजीत एक बात समझिए, मैंने आपको एक रामबाण तरकीब बताई है अपने एस्टिमेशन पार्ट में, उसमें क्या है, सबसे पहले आपको एस्टिमेशन सॉल्व आउट करना सिखाया, एकदम बेसिक एस्टिमेशन से स्टार्ट किया मैंने और लास्ट तक पहुंचाया, देन उसके बाद बिल ऑफ क्वांटिटी को बिल्कुल ही अलग रखा मैंने, क्यों, क्योंकि आप इस चीज को समझ जाएं। आप यहां पर बोल रहे हैं मुझसे कि महाराष्ट्र डीएसआर बोलते हैं कि आरसीसी पार्ट में फॉर्म वर्क इंक्लूडेड, कोई नहीं होने दो आप लेकिन एस्टिमेशन में सॉल्व आउट करो अलग से, जैसे मैंने सॉल्व आउट कराया। जब बाद में उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट मतलब समराइज डाटा बनाओगे, तो फॉर्मवर्क मत लेना, फॉर्मवर्क उसमें पहले से रेट इंक्लूड किए गए हैं, तो इसलिए फॉर्मवर्क मत लेना उसमें। बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते टाइम जो आप महाराष्ट्र डीएसआर दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स यूज करेंगे, तो आप उसमें फॉर्मवर्क लिखना ही मत, क्योंकि आरसीसी के अंदर क्वांटिटी आपकी ले ली गई है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि फॉर्मवर्क की क्वांटिटी एस्टिमेशन में सॉल्व आउट करने के लिए, क्योंकि आप हो सकता है महाराष्ट्र डीएसआर के बाद किसी और स्टेट का यदि काम करेंगे जहां पर आपको उसका रेट अलग से दिया हुआ है, तो आपके फ्लो में रहने चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उसको एस्टिमेशन में जरूर सॉल्व आउट करो, लेकिन बाद में बिल लिखते टाइम, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते टाइम बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि वो क्वांटिटी का रेट पहले से उसमें दिया गया उस आइटम में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यहां पर मोहित राजपूत एक डाउट पूछते हैं, सर जो भी ड्रॉइंग सॉल्व आउट करवा रहे हैं वो वीडियोस में इनकी ऑल ड्रॉइंग पीडीएफ सेपरेट प्रोवाइड करवाओ सर, ताकि हम उनका प्रिंट आउट निकलवा के खुद सॉल्व कर सकें। ये तो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ये तो कम्प्लीटली आपको हर एक वीडियो के नीचे अटैचमेंट फाइल, अटैचमेंट पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाता है, या यदि आप अगर वेबसाइट पे चला रहे हैं, अभी वेबसाइट में आपको यूज करके दिखाता हूँ, वेबसाइट पे चला रहे हैं तो अटैचमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करो, डाउनलोड का ऑप्शन क्लिक करो, सीधे डाउनलोड हो जाएगा, प्रिंट आउट निकलवाओ। यदि आप सिविल गुरुजी एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वहां पर चला रहे हैं, तो आपको एक मोर का ऑप्शन दिखता है, पहले दिखता है लेसन, डिस्कशन, बुकमार्क और मोर, मोर के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ऑल अटैचमेंट पर क्लिक करो, तो सारे अटैचमेंट आपके एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे, आप जहां चाहो वहां से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसके बाद है यहां पर श्रेयस देशपांडे का, एस्टिमेशन एंड प्लानिंग के बाद कॉर्पोरेट कोर्स में नेक्स्ट वीडियो किसके देखें, बीबीएस या ऑटोकैड? ऑब्वियसली आपको पहले ऑटोकैड देखना होगा, वहां पर हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स या जिस जो भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है वहां पर हमने सिक्वेंस बनाया हुआ है कि एस्टिमेशन सबसे पहले, क्योंकि एस्टिमेशन क्या है, हमारा बेस है, अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद होता है आपका ऑटोकैड, ऑटोकैड में आपको क्यों करवा रहा हूं ऑटोकैड, क्योंकि जो आपने ड्राइंग सॉल्व आउट की है एस्टिमेशन पार्ट में वो ड्राइंग आपको बनानी आनी चाहिए, आपको वहीं पे उसको लॉक करना, सबमिशन ड्राइंग बनाना सीखना है वहां पर कंप्लीटली, इसलिए आपको एस्टिमेशन के बाद ऑटोकैड करना है, ऑटोकैड के बाद बार बाइंडिंग शेड्यूल रखा है हमने, और एस्टिमेशन के अंदर भी हमने 1 to last 65 लेसन दिए हैं, ऑटोकैड में भी हमने करीब 66 लेसन दिए हैं, तो ये कंप्लीटली उसी सिक्वेंस में उसी सीरियल वाइज के हिसाब से आपको रीड आउट करना है। चलते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर, तो यहां पर पूछते संजय कामदार, सर आई नीड चेतन शर्मा सर व्हाट्सएप नंबर सो दैट आई कैन आस्क माय डाउट इन एडवांस एंड रिटर्न। सॉरी संजय, मैं एक्चुअल में पर्सनल नंबर तो मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता आपको, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप एक नंबर लिख लीजिए 9111001234, इस नंबर में मेरे काउंसलर कॉल रिसीव करेंगे और काउंसलर से बोलना कि मुझे चेतन सर से बात करनी है, उनसे मीटिंग का टाइम फिक्स करा दीजिए मेरा, तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। संजय आपको जैसा भी डाउट है आप वहां बता सकते हैं, वो डायरेक्टली मेरे काउंसलर मुझे एक बार में आके बता देते हैं सभी तरह के डाउट जितने भी आपके डाउट होते हैं। इसके बाद पूछते हैं जिगर राजेश भाई आहिर,
सर आपको कॉल करने हैं लेकिन आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो नंबर प्लीज बताएं। जिगर आपके लिए भी मैं वही चीज कहूंगा, 9111001234 में मेरे काउंसलर्स बैठे हुए हैं, उनसे कहिए, अगर इंपॉर्टेंट है तो उनसे कहिए कि मुझे चेतन सर से बात करनी है या आपका कोई मैसेज हो जो मुझ तक पहुंचाना है तो आप डायरेक्टली मेरे काउंसलर को कॉल करके आप बता सकते हैं और जो डायरेक्टली मुझे मैसेज करके बता देंगे। यहां पर इसके बाद पूछते हैं संजीव कुमार, सर कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट पेडेस्टल कॉलम F2C1 F2C2 4, why F2C2 8 if height of the column is decided by F1 and F2, why C1 and C2 taken where we can assume only C1 and C2, sir I am confused। कोई इशू नहीं है, यहां पर मैं पूरा एकदम आपका डाउट जो है वो कंप्लीट कराता हूं यहां पर कि क्या था इस वाले पार्ट में। तो यहां पर देखिए आप लोग कि मान लीजिए आपका जो ड्राइंग है, पहले ड्राइंग का डाटा बता देता हूं आपको, एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए F2 और यहां पर F1, ये इस तरह से था, F1 हमारे पास थे 16 और F2 थे हमारे पास 8, यही थे ड्राइंग के अंदर। ड्राइंग ओपन नहीं कर रहा हूं मैं, ड्राइंग आप लोगों के पास सभी के पास मौजूद है, जितने भी लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स और गुरुजी के खजाना कोर्स में जुड़े हुए हैं सभी के पास सभी तरह की कंप्लीट ड्राइंग अवेलेबल है, तो वहां से मैं डाटा ले रहा हूं। तो आपके पास यहां पर 1.8 और 1.8 ये इस तरह से आपका साइज था, सॉरी ये 1.5 इधर, तो मैं 1.5 लिख देता हूं इधर, और यहां पर 1.8 और यहां पर 1.5, मतलब F1 फुटिंग का साइज 1800x1800 और F2 फुटिंग का साइज 1500x1500 ये आपको दिया हुआ था। अब इसके बाद दो तरह के कॉलम है आपके पास, C1 और C2, C1 और C2 दोनों कॉलम का साइज आपका सेम है, 250x400 और 250x400, इतना डाटा आप लोगों को मिला हुआ है पहले से ही। अब यहां पर समझाता हूं, मैंने तीन पार्ट में इसको सॉल्व किया था, F1 C1, इसके बाद F2 C1 F2 C2। अब यहां पर समझिए, एक ड्राइंग है आप लोगों को, यहां पर मैं ओपन करता हूं ड्राइंग आपके लिए कि किस तरह की ड्राइंग यहां पर अवेलेबल कराई थी मैंने। तो दोस्तों यहां पर हम अपने कोर्स से ही डाउनलोड कर लेते हैं अपनी पीडीएफ फाइल को, और आप यहां पर सीख भी लेंगे कि पीडीएफ फाइल कैसे डाउनलोड होते हैं, एकदम इजी पैटर्न है। आप लोग यहां पर देखेंगे जब भी हम सिविल गुरुजी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस ओपन होता है। यहां पर मैं इसको नीचे जाता हूं और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स मैंने परचेज किया हुआ है, यहां पर आप देखेंगे परचेज है ये, बाकी सब में यहां पर रेट दिखा रहे हैं यहां पर। तो मैंने यहां पर परचेज करने के, यहां पर परचेज है तो मैंने ओपन किया इसको। ओपन करने के बाद कोर्स कुछ ऐसा ओपन होता है, सबसे पहले इफेक्टिव रेज्यूमे, नोट्स रिलेटेड टू सिविल इंजीनियर, एस्टिमेशन, ऑल सॉफ्टवेयर, प्रोफेशनल ऑटोकैड, ये इस तरह से ओपन होता है। तो मैंने यहां पर एस्टिमेशन वाले पार्ट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पर मुझे डाउनलोड करनी है सेंटर लाइन लेआउट वाली ड्राइंग, वहीं से मिलेगा डाटा मुझको। तो यहां पर वन अटैचमेंट दिख रहा है, पहले इस पार्ट को ओपन कर लूं मैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहां पर अटैचमेंट है, इस वीडियो में नहीं है, इस वीडियो में अटैचमेंट है, अटैचमेंट पे क्लिक किया। क्लिक करते ही ये मुझसे पूछ रहा है सेंटर लाइन लेआउट डाउनलोड करना है आपको, तो डाउनलोड के लिए क्लिक कर दो यहां पे। क्लिक करने का सीधे यहां पर आप देखेंगे डाउनलोड हो गया इधर। डाउनलोड करने के बाद अब मैं इसको यहां पर ओपन करता हूं, इधर से मैंने ओपन किया तो कुछ ड्राइंग ऐसे ओपन हुई, तो मैं इसको यहां से रोटेट कर लेता हूं क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं मुझको। तो आपके लिए ड्राइंग यहां पर ओपन की, इस ड्राइंग को सबसे पहले सॉल्व आउट कराता हूं मैं अपने एस्टिमेशन पार्ट में। तो देखेंगे दोस्तों यहां पर ड्राइंग, और ड्राइंग में इधर क्या दिया हुआ है, F1 जो कि अभी मैंने साइज बताया था 1800x1800, F2 1500x1500 ही मैंने साइज आपको बताया था। इसके बाद मैंने कॉलम के साइज बताए थे आपको, C1 और C2 दो तरह के कॉलम, 250x400 दिया हुआ है यहां पर, 250x400, और सेम यहां भी 250x400 दिया हुआ है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा मैं जो डाटा बता रहा हूं आपको, यहां पर देखिए यहां पर हमें इसके अंदर F1 C1 या F2 C2 ये डाटा दिया हुआ है। अब ये डाटा से हम क्यों यहां पर अलग अलग करेंगे इन डाटा को, उसके बारे में समझते हैं। तो दोबारा से चलते हैं अपने पीपीटी स्लाइड में, और पीपीटी स्लाइड में जाकर देखेंगे कि हमें जो क्वेश्चन था उसके बाद एक ब्लैंक पेज यहां पर अवेलेबल है। तो यहां पर मैं इसको क्लिक करता हूं, तो फिर से लिखता हूं मैं यहां पर F1, जो F1 का साइज था हमारा 16 फुटिंग है और 1800x1800 हमें साइज गिवन दिया है। इसके बाद दूसरी फुटिंग है हमारे पास F2, जिसका साइज हमें दिया हुआ है यहाँ पर 1.5 और 1.5, और जो मैंने 8 लिखा है इसका मतलब है 8 फुटिंग यहाँ पर टोटल दी है F2 स्पेसिफिकेशन रखने वाली। अब इसके बाद दो कॉलम है C1 और C2, C1 कॉलम का साइज है 250x400 और C2 कॉलम का भी साइज आपका सेम है 250x400, ये आपको साइज यहाँ पर गिवन दिए गए थे।
अब इसके बाद यहां पर हम समझेंगे कि क्यों हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं दो डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले ये है मेरा पास NGL, इसको बोलते हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल। नेचुरल ग्राउंड लेवल से हम बिलो द ग्राउंड लेवल अपनी फुटिंग को प्रोवाइड कर रहे थे। अब दोस्तों यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने ये फुटिंग प्रोवाइड की और एक फुटिंग मैंने यहां प्रोवाइड कर दी, एक फुटिंग मैंने यहां प्रोवाइड कर दी। सबसे पहले जो नीचे लेयर देते हैं हम, वो देते हैं हम सैंड फिलिंग का लेयर। दूसरा लेयर देते हैं हम किसका, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का लेयर। सेम यहां पर सबसे पहले तो सैंड फिलिंग का लेयर दे दिया, दूसरा दे दिया प्लेन सीमेंट कंक्रीट का लेयर। अकॉर्डिंग टू ड्रॉइंग हमने सैंड फिलिंग का लेयर दिया 100 mm, PCC का लेयर दिया हमने 100 mm, देन इसके बाद यहां भी हमने 100 mm और यहां भी हमने 100 mm प्रोवाइड कर दिया। अब इसके बाद फुटिंग का साइज जरा हम देखते हैं कि यहां पर पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद आपको फुटिंग का साइज बनाता हूं। ये तो हमारा रेक्टेंगल पार्ट है फुटिंग का, और इसके बाद ये है हमारा ट्रेपेजोइडल पार्ट किसका, फुटिंग का। उसके बाद हमारे कॉलम्स हैं यहां पर, ये सेम हमारा फुटिंग का साइज यहां पर है, और यहां से ये हमारा फुटिंग और यहां पर हमारा ये कॉलम। दिस कॉलम इज नोन एज पेडेस्टल कॉलम, क्योंकि ये NGL तक आया है यहां पर। अब यहां पर जो फुटिंग का साइज दिया गया है ये वाले F1 के केस में वो दिया गया है 250, और यहां पर F2 के केस में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 200 mm। यहां पर दिया हुआ है आपके 200 mm, लिख देता हूं यहां पे F2 और यहां पे लिख देता हूं F1, आपको याद रहेगा इसका केस। अब इसके बाद यहां पर 200 है, इसका ट्रेपेजोइडल पार्ट की डेप्थ दी गई है 100 mm ड्रॉइंग में, अभी दिखाऊंगा आपको ड्रॉइंग भी में। देन इसके बाद यहां पर दिया गया है 150 mm, ठीक है यहां तक हम नीचे से स्टार्ट किए, और फुटिंग का यहां पर हमारी बड़ी है फुटिंग F1 केस में, लेकिन F2 के केस में डेप्थ कम है यहां पर फुटिंग का। यहां पर केस हो गया कितना, 250 और 150 मिला के 400 mm हो गया। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना होगा, ये 400 mm, और यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो कितना होगा, 300 mm, और दोनों की ही डेप्थ मैंने सेम रखी है 2 meter। और आप लोग मुझे बताइए, यदि मुझे F1 फुटिंग के केस में और F2 फुटिंग के केस में मुझे इस कॉलम की हाइट, मैं दूसरे पेन से बनाता हूं यहां पर, यदि मुझे यहां से लेके यहां तक की हाइट और यहां से लेके यहां तक की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल डेप्थ में से इतना डेप्थ माइनस करना पड़ेगा, तो तभी तो ये निकलेगा मेरा। सेम यहां पर टोटल डेप्थ में से इतना डेप्थ डिडक्ट करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा मेरा ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को निकालने के लिए पहले हम F1 के केस में चलते हैं। F1 के केस में सबसे पहले टोटल डेप्थ कितनी है, यहां से लेके यहां तक की डेप्थ है 2 meter, तो 2 meter में से हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हमने, 100 mm, मीटर में ले रहा हूं तो 100 mm को क्या करना पड़ेगा, 0.1 meter करना पड़ेगा। देन इसके बाद अगेन 100 mm क्या है, ये PCCS 100 mm, तो अगेन मैंने 0.1 डिडक्ट कर दिया। अब इसके बाद ये 250 और ये 150 कितना हो गया, 400, लेकिन दोनों का अलग अलग लिखता हूं, तो 0.25 और -0.15 मैंने किया ये, ठीक है यहां तक कर लिया। तो देखिए दोस्तों F1 में हमने 2 meter जो कि इसकी टोटल डेप्थ दी गई है, टोटल डेप्थ में से मैंने 100 mm जो कि सैंड फिलिंग डिडक्ट कर दिया, फिर 100 mm जो कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट डिडक्ट कर दिया, फिर 250 mm जो कि फुटिंग का रेक्टेंगल पार्ट की डेप्थ इतनी पार्ट दिया गया है वो डिडक्ट कर दिया, और लास्ट में ट्रेपेजोइडल पार्ट जो कि 150 mm दिया गया है ये हमने क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो आंसर आया हमारे पास 1.4 meter, मतलब इस फुट कॉलम की हाइट कितनी रहेगी, 1.4 meter। कौन सी फुटिंग है, F1। अब देखिए समझिए एक कंसेप्ट बता रहा हूं, यहां पर दो तरह के कॉलम C1 और C2। C1 कॉलम यदि F1 फुटिंग के अंदर आ जाए तो कॉलम की हाइट रहेगी 1400 mm, दैट इज 1.4 meter। C2 कॉलम यदि F1 में आ जाए तो उसकी हाइट रहेगी 1.5 meter। अब देखते हैं यहां पर F2 के केस में, तो F2 की भी टोटल डेप्थ कितनी है, 2 meter है, उसमें से आपका सैंड फिलिंग कितने का है, 100 mm का, दैट इज 0.1 meter। फिर आपके PCC की डेप्थ कितनी है, अगेन 100 mm, दैट इज 0.1 meter। फिर आपके यहां पर फुटिंग की डेप्थ कितनी है, 200 और 100 300 हो गया, लेकिन अलग अलग लिखता हूं मैं इसको भी, तो 0.2 - 0.1। अब देखिए 2 meter डेप्थ में से 100 गया तो कितना बचा, 1900, फिर 100 गया तो 1800, फिर 2 गया तो यहां पर 16, और 100 गया तो 1500, डेट इज 1.5। मतलब क्या हुआ इसका कि यहां से लेके यहां तक की डेप्थ कितनी होगी, 1.5 meter होगी। यदि आपका फुटिंग F2 है और F2 फुटिंग में C1 कॉलम आ रहा है, यदि ये C1 कॉलम हुआ तो हाइट हो जाएगी 1.5, C2 कॉलम हुआ तो हाइट हो जाएगी 1.5। समझे इसको क्यों हुआ ऐसा, देखिए ये मेरे पास हाथ ऐसे मैंने किए,
अपने। अब ये वाला हाथ है F2 और ये वाला हाथ है F1, क्यों? क्योंकि ये फुटिंग ऊपर है हमारी इसके कंपैरिजन में, लेकिन पहुंचना है मुझको एक लेवल पर। इस लेवल से इस लेवल तक पहुंचने में लग रहा है 1400 mm का डिस्टेंस, और इस लेवल से इस लेवल पे पहुंचने का लग रहा है 1500 mm। इस केस लिए हमको जो एक एरर है ये, इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमें इतना सारा करना पड़ा था। अब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम F1 C1 के केस में। आपको एक डाटा याद रखना है बस, कौन सा? F1 के केस में कोई भी कॉलम आ जाए 1400 कर देना वहां पर, और F2 के केस में कोई भी कॉलम आ जाए 1500 कर देना यहां पर। अब मैं चलता हूं आगे अपने पार्ट में और अपने उस ड्राइंग में, तो ड्राइंग में आप लोगों को दिखाता हूं मैं। तो ड्राइंग ओपन करने के बाद अब आप देखेंगे यहां पर लिखा है F2C1। अब यहां पे हमको काउंट करने हैं F2C1। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं इधर ही। सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमको F1C1 फाइंड आउट करना है, F1C2 फाइंड आउट करना है, F2C1 फाइंड आउट करना है, F2C2। देखिए ये मैक्सिमम केसेस हैं, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बनेगा, केवल ये चार ही केस बन सकते हैं इस ड्राइंग के अंदर। अब हम देखते हैं कि चार केस में कौन कौन से केसेस अभी बन रहे हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले केस F1C1 कितने होंगे हमें गिनने हैं। देखें F1C1 लिखा है यहां पर, F1 लिखा है और यहां पर लिखा है C1, यहां भी F1C1 दो हो गए, F1C1 तीन, F1C1 चार हो गए यहां पर। इसके लिए F2C1 इसको काउंट नहीं करूंगा। देन F1C1 5, F1C1 6, F1C1 7, F1C1 8, F1C1 9, ये 10 हो गए यहां पर, ये 11 हो गए, ये यहां पर 12 हो गए, ये F2C2 इसको काउंट नहीं करूंगा। यहां पर ये 13 हो गए, ये 14 हो गए, ये 15 और ये 16। तो 16 हमारे पास F1C1 है, तो 16 होगा यहां पर। अब हम F1C2 की बात करेंगे तो देखेंगे यहां पर F1C2 हमें अभी तक तो एक भी नहीं मिला, नहीं है तो लिख देंगे 0, क्योंकि ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है C2 कॉलम जो फुटिंग F1 में लाए कर रहा होगा। अब बात करेंगे F2C1 की, तो F2C1 देखिए ये F2 लिखा है यहां पर और कॉलम भी कौन सा है, C1 है। यहां पर F2, ये भी क्या है, C1, यहां पर F2C2 इसको काउंट नहीं करूंगा, अभी दो ही हुए हैं, तीन, ये F2C1, ये चार, तो चार हो गए हमारे पास। तो यहां पे नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, फोर, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम फोर हो गए हमारे पास। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास फोर हो गए। अब लास्ट बचा है, लास्ट एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, F2C2। देखिए F2C2 दो गए, फिर F2C2 ये भी कितने हैं, फोर, और टोटल फुटिंग हमारे उसमें कितने हैं, 24, यदि मैं इनको भी ऐड करूं तो 24, 16 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 24, और सारे यहां पर हमारे फाइंड आउट हो गए। तो ये केस था हमारे पेडेस्टल कॉलम का। जितने भी लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में जुड़े उन्हें पता है कि पेडेस्टल कॉलम कैसे हम बनाते हैं, यहां पर रीड आउट पूरा करना मैंने सिखाया। ये ड्रॉइंग रीड आउट था केवल, यहां पर जो केस था वो था ड्रॉइंग को कैसे हम रीड आउट करते हैं, इस मेथड से यहां पर ड्रॉइंग को रीड आउट करना सिखाया जाता है। अब मैं यहां पर वापस चलता हूं अपने प्रेजेंटेशन पर और प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर ये संजीव कुमार यहां पे आपके लिए इतना बड़ा सेशन यहां पर रखा गया है, इसमें कंप्लीटली मैंने बताया आपको पेडेस्टल कॉलम में F1C1 F2C1 ये किस तरह से यहां पे हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको यदि कोई पर्सनल डाउट है तो आप डायरेक्टली 9111001234 या 9111006789 पर भी मुझे व्हाट्सएप करवा सकते हैं मेरे काउंसलर्स के पास। तो एक इंजीनियर जुड़े हुए हैं हमारे साथ वेस्ट बंगाल से, सौरभ रे, जिन्होंने पूछा है स्टेयरकेस लैंडिंग पार्ट, स्टेयरकेस कंक्रीट एंड प्लास्टरिंग के समय 1.2 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 0.95 कंसीडर किया है, और फ्लोरिंग के पार्ट में ग्रेनाइट कैलकुलेशन के टाइम पर स्टेयरकेस लैंडिंग 1.2 कंसीडर किया है, क्यों? देखिए समझिए यहां पर सौरभ, आपका जब ग्रेनाइट लगाएंगे तो ग्रेनाइट कहां से लगाएंगे आप, ऊपर से लगाएंगे या नीचे से लगाएंगे? यहाँ पर ये कोई मेरा स्टेयर केस है, ये यहाँ पर स्टेयर केस बना दिया मैंने, ये कुछ स्टेयर केस है, यहाँ पर मेरे ट्रेड्स आ रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ है मेरी, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा ऐसे आता है, ये लैंडिंग इतना है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1.2, ये दूरी हमारी कितनी है 1.2 मीटर की है, क्यों? क्योंकि आखिरी ट्रेड है ये। जब हम प्लास्टरिंग करेंगे तो प्लास्टरिंग हम ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे? यहाँ पर ऑब्वियसली नीचे करेंगे प्लास्टरिंग, क्योंकि ऊपर तो हमारा ग्रेनाइट आ जाएगा, तो नीचे प्लास्टरिंग करेंगे तो 1.2 और इतना डिस्टेंस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड 0.25। क्यों? क्योंकि ये आखिरी ट्रेड था, आपको स्टेयरकेस वाले वीडियो में कंप्लीटली समझाया हुआ है मैंने लेक्चर्स में, तो 0.2 मीटर था ये, 25 मीटर, तो 1.2 में से 0.25 मीटर गया, तो यहाँ पे 0.95 मीटर बचता है।
ये डिस्टेंस हमारा क्या बचता है 0.95 जिस पर हमने प्लास्टरिंग किया। लेकिन अब मैं बात करता हूं ग्रेनाइट प्रोवाइड करता है मुझको, तो देखिए ग्रेनाइट मैं कहां प्रोवाइड करूं, नीचे या ऊपर? ऊपर प्रोवाइड करूंगा तो इतने पार्ट में प्रोवाइड करना है, दैट इज कॉल्ड 1.2। इस वजह से हमने यहां पर 1.2 ग्रेनाइट के केस में इसकी विड्थ ली थी, किसकी? लैंडिंग की विड्थ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट डाउट की ओर, और नेक्स्ट डाउट देखते हैं क्या है यहां पर। नेक्स्ट डाउट है यहां पर, सर फाइनल टोटल में कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी ऐड करना होता है ना? देखिए समझिए, जब भी हम कोई भी गवर्नमेंट SOR या DSR रीड आउट करते हैं तो उसके अंदर आपके मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, TNP जिसको टूल्स एंड प्लांट बोलते हैं उसकी कॉस्ट, और कंप्लीट भी यदि कोई और भी एक्सीडेंटल खर्चा है उसकी भी कॉस्ट, और कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, ओवरहेड चार्जेस, ये सभी इंक्लूड करके हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। आप लोगों के लिए अभी एक वीडियो लाया था मैं यूट्यूब चैनल पर भी, आप लोगों के लिए कंप्लीट रेट एनालिसिस। उस रेट एनालिसिस में कंप्लीटली जो मैंने पार्ट दिया है वो SOR को ही मैं सॉल्व आउट करा रहा हूँ, तो उसको देखिए कि आप लोगों के जो सभी रेट हैं वो पहले से रेट एनालिसिस करने के बाद उसमें सारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड करके दिया जाता है। हाँ, एक चीज़ जरूर ऐड की जाती है, 3-5% की कॉन्टीजेंसीज ऐड करते हैं हम अलग से, और 1% वाटर चार्जेस और ऐड कर देते हैं बाद में किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे, हम यहां पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट पहले ही उस रेट में ऐड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक फोन है, इस फोन को बनाने में कितना खर्चा आया उसके बाद ये मार्केट में आता है, और टैक्स भी पहले से इंक्लूड कर देते हैं, मतलब जो भी उनका टैक्स है। सेम इसी तरह से हमारे बिल्डिंग आइटम में जितने भी आइटम्स हमको DSR या शेड्यूल ऑफ रेट्स में दिए गए हैं, पहले ही उसमें सभी तरह के टैक्सेस, पहले ही सभी तरह के प्रॉफिट्स, पहले ही सभी तरह के एक्सपेंसेस ऐड कर दिए गए हैं। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल का PWD शेड्यूल ऑफ रेट्स यहां पर हम रीड आउट करेंगे, उसके बारे में समझेंगे किस तरह के वहां पर रेट दिए हैं, क्योंकि इंडिया में एक ये सिंगल SOR है जिसने थोड़ा सा रेट में डिफरेंस किया हुआ है, आइटम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर एक अलग सिनेरियो वर्क करता है। वो सिनेरियो क्या है उसके बारे में कंप्लीटली अभी आप लोगों को बताऊंगा यहां पर। तो दोस्तों ये आया यहां पर शेड्यूल ऑफ रेट्स वॉल्यूम 1, और ये 2017 का SOR है आपके वेस्ट बंगाल का, जिसमें बिल्डिंग वर्क्स के बारे में कंप्लीटली दिया गया है। अब आपको थोड़ा सा यहां पर रीड आउट करके बताता हूं कि शेड्यूल ऑफ रेट्स वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 क्या है। जितना भी बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड आइटम है वो वॉल्यूम 1 में दिया गया है, सैनिटरी एंड प्लंबिंग वर्क आपके वॉल्यूम 2 में दिया गया है, रोड एंड ब्रिज का वर्क आपके वॉल्यूम 3 में दिया गया है। इन्होंने एक बात यहां पर दी गई है, इंक्लूडिंग मटेरियल लेबर एंड कैरेज इफेक्टिव फ्रॉम 1/11/2007, मतलब 1/11/2017 से इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी टेंडर वर्क अब निकलेगा 1/11/2017 से, उन्हें ये वाला SOR फॉलो करना पड़ेगा अपने रेट्स के लिए। अब इसके बाद यहां पर आप लोग देखेंगे कि और भी डाटा दिया गया है, मैं लाता हूं यहां पर आप लोगों को, तो बिल्डिंग वर्क का डाटा है, तो यहां पर इंडेक्स आ गया, तो इंडेक्स आप देखेंगे जनरल कंडीशन दी गई है सबसे पहले, फिर जनरल स्पेसिफिकेशन दिए हैं यहां पर, मटेरियल, एग्जीक्यूशन, मोड ऑफ मेजरमेंट, एडिशनल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट, डिपार्टमेंटल मटेरियल, मिसलेनियस, इसके क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अदर देन डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट आइटम, क्वांटिटी मटेरियल फॉर रिक्वायर्ड डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट आइटम, लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड IS कोड, यहां पर IS कोड को थोड़ा सा बताया। इसके बाद बिल्डिंग वर्क, देखिए दोस्तों ये जितना भी आइटम है ये CPWD का मैनुअल होता है, एक्चुअल में हमें CPWD का मैनुअल पढ़ लें या किसी स्टेट का शेड्यूल ऑफ रेट्स पढ़ लें, एक ही बात है यहां पर, क्योंकि काम करने का प्रोसीजर हर एक स्टेट में एक ही होगा, इसलिए CPWD का मैनुअल पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं उसमें, क्योंकि डिटेल में भर के दिया हुआ है हमको। इसका सेक्शन 1 है बिल्डिंग वर्क के आइटम का, अर्थवर्क हम यहां पे चलेंगे और यहां समझेंगे 1-9 पेज पर क्या दिया गया है हमको। तो दोस्तों हम आ गए यहां पर फर्स्ट चैप्टर जो कि होता है अर्थवर्क, और अर्थवर्क के चैप्टर में आने से पहले एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये SOR क्यों मैं अलग बोल रहा था, क्योंकि इस SOR में पूरा स्टेट का SOR है, ये मानता हूं वेस्ट बंगाल का SOR है, लेकिन यहां पर रेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, केवल ये सिंगल SOR है ऑल ओवर इंडिया जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट जिले के हिसाब से यहां पर रेट फाइनलाइज किए गए हैं। एक बात और डिफरेंस है यहां पर, वो भी मैं बता दूं, आइटम सेम है, अभी भी बोल रहा हूं आप लोगों से, देखिए सबसे पहला आइटम है यहां पर सरफेस ड्रेसिंग ऑफ द ग्राउंड इन एनी काइंड ऑफ सॉइल इंक्लूडिंग रिमूविंग वेजिटेशन इनइक्वालिटीज नॉट एक्सीडिंग 15 सेंटीमीटर इन डेप्थ एंड डिस्पोजल ऑफ रविश इंक विद अ लीड अप टू 75 mm, जैसा कि मैंने आपको बताया था साइट क्लीनिंग के आइटम में हम इसको यूज करते हैं। स्क्वायर मीटर में रेट दिया 10-10 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से हर एक जिले का यहां पर डिवाइड किया गया है। इसके बाद यहां पर है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, मतलब एक्सकवेशन कर रहे हैं हम फाउंडेशन ट्रेंचेस ड्रेन्स इन ऑल शॉर्ट्स, मतलब किसका पैसा यहां पे, एक्सकवेशन का। अब एक्सकवेशन में यहां पे कंडीशन दी गई है, देखिए डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन नॉट एक्सीडिंग 1500 mm, मतलब 1.5 मीटर तक का डेप्थ है।
एक बात समझने के यहाँ पर, वो है ये परसेंटेज क्यूबिक मीटर। देखिए परसेंटेज क्यूबिक मीटर मतलब क्या है ये, और रेट दिया गया है 11,927 रुपए, जबकि आपने क्या समझा था अभी तक, पर क्यूबिक मीटर रेट देते हैं, उसका रेट कुछ दे दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है वो आपको बताता हूं। देखिए परसेंटेज क्यूबिक मीटर मतलब जो आपका रेट है 11,927 रुपए, इसको आप डिवाइड कर दें 100 से, 100 से आपने डिवाइड कर दिया तो रेट कितना हो गया आपका 119 रुपए 27 पैसे, या आपका क्या हो गया रेट हो गया पर क्यूबिक मीटर, रेट हो गया आपका क्या हो गया पर क्यूबिक मीटर रेट। मतलब यदि आपको परसेंटेज क्यूबिक मीटर दिया हुआ है तो आपको रेट निकालना है, तो आप रेट में 100 का क्या कर दें डिवाइड कर दें, यदि रेट में डिवाइड नहीं करना आपको तो आपका जो आइटम है उस आइटम को 100 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, या तो आइटम को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मतलब आइटम की निकली हुई क्वांटिटी को, या रेट को 100 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर समझ में आया आपको कि कभी भी आपको किसी एसओआर में परसेंटेज क्यूबिक मीटर या परसेंटेज स्क्वायर मीटर दिया हो तो आपको उसके रेट को 100 से क्या करना डिवाइड करना है। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसकी क्वांटिटी के आइटम को 100 से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहां पर आगे चलने पर हम देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है इस एसओआर में हमको, तो यहां पे हमें दो आइटम तो कवर अप हो गए हमारे, सबसे पहला साइट क्लीनिंग, दूसरा आइटम हमारा एक्सकवेशन। इसके बाद यहां पर और क्या आइटम दिए गए हैं उसके बारे में हम यहां पर देखते हैं। इसके बाद यहां पर एक आइटम, जैसा कि आप लोगों को पता है स्टेट के पीडब्ल्यूडी के एसओआर इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि हो सकता है उस स्टेट में डिफरेंट टाइप की सॉइल, डिफरेंट टाइप की सैंड मिलती हो। जैसा कि वेस्ट बंगाल में जो सैंड अवेलेबल है वो है सिल्वर सैंड बोलते हैं उसको। सिल्वर सैंड मतलब थोड़ा चमकता है, जैसे गंगा का सैंड नहीं होता है आपका, गंगा सैंड जिनने भी देखा होगा वो थोड़ा चमकता है, हल्का होता है एकदम पतला सैंड, वो सैंड यहां पर यूज करते हैं। तो यहां पर लिखा फिलिंग इन फाउंडेशन और प्लिंथ बाय सिल्वर सैंड इन लेयर्स नॉट एक्सीडिंग 150 mm, मतलब आपको एक लेयर यदि बिछानी है तो 150 mm से ज्यादा की लेयर ना हो, यहां पर ये मैनुअल हमारा बोल रहा है। As directed and consolidated the same by through saturation with water ramming complete, including the cost of supply of sand मतलब transportation की cost भी include है, payment to be made on measurement of finished quantity, जब आप finish कर देंगे ऊपर तक तब ही payment किया जाएगा, और rate है percentage cubic meter में 93,621 रुपए। यदि हमें per cubic meter में निकालना है तो क्या करना है हमको 100 से divide करना है, तब जाके हमारा ये answer आएगा किसमें per cubic meter में। तो ये तीसरा item हमारा यहाँ पे complete हुआ, जिसमें हमने जाना कि फिलिंग का पैसा किस हिसाब से होता है। अर्थवर्क में जनरली हम जो निकालते हैं इतने ही आइटम। अब दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के बाद में आया यहां पर डिसमेंटलिंग कटलिंग केज होल्स एक्सेट्रा, मतलब कोई बिल्डिंग है उसको मैं डिसमेंटल कर रहा हूं, मतलब उसको तोड़ रहा हूं, तोड़ने का पैसा किस हिसाब से मिलेगा उसका यहां पर रेट दिया गया पर क्यूबिक मीटर में। तो यहां पर आपको किसी भी तरह का 100 का डिवाइड नहीं करना है। इसके बाद जो थर्ड आइटम है यहां पर हमारे इस एसओआर का, तो यहां पर एसओआर में थर्ड आइटम दिया गया है आपके ब्रिक वर्क का, यहां पर देखेंगे आप सी वर्क पार्ट ब्रिक वर्क कॉन्क्रीट वर्क। तो यहां पर मैं क्लियरली पढ़ाता हूं आप लोगों को क्या दिया यहां पर, सिंगल ब्रिक फ्लैट सॉइलिंग एंड पिक झामा ब्रिक। देखिए झामा ब्रिक कौन सी ब्रिक होती है, जो ओवरबर्न ब्रिक होती है, झामा ब्रिक लिखा है ओवरबर्न ब्रिक की बात कर रहे हैं यहां पर, इंक्लूडिंग रैमिंग ड्रेसिंग बेड टू प्रॉपर लेवल एंड फिलिंग जॉइंट्स विद लोकल सैंड। मतलब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं ब्रिक वर्क किसके लिए यूज कर रहा हूं, फाउंडेशन पार्ट में डाल रहा हूं यहां पर, तो 358 रुपए रेट मिलेगा यदि मैं कोलकाता में वर्क कर रहा हूं। यदि मैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहा हूं तो उसके हिसाब से भी यहां पर रेट हमको क्या है दिया गया हुआ है यहां पर, किस रेट किस यूनिट में स्क्वायर मीटर यहां पर यूनिट है। इसका लेबर, अगर मुझे लेबर का कॉस्ट निकालना है तो लिखा है यहां पर लेबर फॉर लेइंग सिंगल ब्रिक फॉर सॉइलिंग इंक्लूडिंग, मतलब इस पार्ट को करने का लेबर का खर्चा अलग से दिया गया है यहां पर, तो लेबर की कॉस्ट क्या है इंक्लूड नहीं है इस एसओआर में। उसका रेट भी यहां पर दिया 40 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहां पर रेट दिया जाएगा हमारे गवर्नमेंट द्वारा। तो अब लिखा है यहां पर सप्लाइंग एंड लेइंग ब्रिक विद कोआ ऑफ ऑर्डिनरी बेड्स ऑफ साइज, ये साइज दिया गया है ऑफ अप्रूव्ड क्वालिटी। यदि इस तरह से हम फिलिंग करेंगे अपना तो फिलिंग में सप्लाई करने का जो हमारा रेट होगा वो स्क्वायर मीटर में हमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से दिया गया है। इसके अलावा यहां पर दिया गया है ब्रिक वर्क ऑन एच फ्लोर और पेवमेंट, फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज कर रहा हूं, सेट क्लोज इन सीमेंट मोर्टार 1:6 का एंड लेड विद अ कुशन ऑफ सैंड बिलो इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ देयर ऑफ इंक्लूडिंग रूल्ड ऑफ फ्लश पॉइंटिंग विद सीमेंट मोर्टार 1:4 का टॉप। मतलब मैं ब्रिक वर्क की फ्लोरिंग प्रोवाइड करूँ और उस ब्रिक वर्क की फ्लोरिंग में मोर्टार प्रोवाइड करूंगा एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक को जोड़ने के लिए 1:6 का,
और उसके नीचे मेरा सैंड जरूर होना चाहिए। सैंड वर्क करता है क्या एज अ कुशन, जैसा कि मैंने एस्टिमेशन पार्ट में भी आपको थर्ड वीडियो में बताया था, सैंड फिलिंग वाले वीडियो में कंप्लीटली, इंक्लूडिंग फ्लश सीमेंट मोर्टार जो रहेगा वो एक चार का रहेगा ऑन द टॉप, मतलब इस ब्रिकवर्क को करने के बाद एक चार का मोर्टार हम लगाना है। 836 रुपये 770 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहाँ पर रेट दिया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का हमको। इसके बाद है ब्रिकवर्क विद फर्स्ट क्लास ब्रेक इन लाइम एंड सुर्खी मोर्टार, 1:2 का रेशियो है, 1 लाइन पुट्टी पेस्ट 2 सुर्खी, मतलब एक पार्ट जो रहेगा वो लाइम रहेगा पुट्टी, 2 पार्ट रहेगा सुर्खी सैंड जिसको हम सैंड बोलते हैं। लाइम टू सिलेक्ट एट अ साइट ऑफ द मोर्टार टू बी प्रिपेयर्ड विद द सच लाइम पुट्टी एंड फर्स्ट क्लास ब्रिक, यदि ऐसी कंडीशन है। और यहाँ पर देखिए एक चीज समझिए कि इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सबसे पहले फाउंडेशन और देन सुपर स्ट्रक्चर। आप लोगों को पता है सुपर स्ट्रक्चर में जब भी हम वर्क करते हैं तो लेबर कॉस्ट ज्यादा आती है, इसलिए वहां का रेट ज्यादा मिलता है हमको। क्यों? क्योंकि लेबर को सामान लेके जाना पड़ेगा, जैसे ब्रिक वर्क हो गया, ये मोर्टार वगैरह का बेड हो गया, यहाँ पे इसको ले जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर रेट ज्यादा है किसका, सुपर स्ट्रक्चर वाले पार्ट का। देखिए यहाँ पर ये आइटम दिए गए हैं ब्रिकवर्क फर्स्ट क्लास फाउंडेशन प्लिंग दोनों को अलग अलग पार्ट में। देखिए क्या चेंज हुआ, मोर्टार का रेशियो चेंज हुआ, यहाँ 1:4 दिया गया है, यहाँ पर मोर्टार का रेशियो 1:6 दिया हुआ है। अब आप लोग बताइए मुझे 1:4 या 1:6 रेशियो है तो रेट किसका ज्यादा होगा। देखिए 1:4 मतलब सीमेंट ज्यादा है आपका, 1:6 मतलब सीमेंट कम है। ऑब्वियसली मोर्टार में सीमेंट की क्वांटिटी डिपेंड करते है, उसका रेट कितना ज्यादा जाएगा। यदि सीमेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो रेट हमारा हाई रहेगा। तो 1:4 के रेट में यदि मैं बात करूं फाउंडेशन पार्ट की तो क्यूबिक मीटर 5575 रुपये मिल रहे हैं। यदि मैं ब्रिकवर्क की बात करूं 1:6 के रेशियो में तो मुझको 5306 रुपये मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीमेंट की क्वांटिटी यहां पर कम हो गई है मेरी। इसके बाद यहां पर चलते हैं आगे, हम कंक्रीट पार्ट देखते हैं कि कंक्रीट पार्ट हमको कहां दिया गया है। तो दोस्तों यहां पर मैं 26 पेज नंबर पर आया, इसमें यहां पर क्या लिखा है, ऑर्डिनरी सीमेंट कॉन्क्रीट मिक्स 1:3 का रेशियो दिया गया है विद ग्रेडेड स्टोन चिप्स 20 mm नॉमिनल साइज एक्सक्लूडिंग शटरिंग एंड रेनफोर्समेंट, मतलब किसी भी तरह का शटरिंग और रेनफोर्समेंट का पैसा यहां पर ऐड नहीं है इन ग्राउंड फ्लोर एज पर रेलिवेंट आईएस कोड। देखिए यहां पर ग्राउंड फ्लोर तक का पैसा ही है, इसके बाद हमें फर्स्ट फ्लोर वगैरह का जो रेट होगा वो एक्स्ट्रा मिलता है, जैसा कि मैंने CGSOR में भी आप लोगों को बताया था। तो यहां पर क्यूबिक मीटर 4482 रुपये हमको क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। अब ये जो यहाँ पर वैरायटी दी गई है ये हमारे एग्रीगेट की वैरायटी अलग अलग दी गई है, यहाँ पर हमें कौन सा एग्रीगेट यहाँ पर यूज करा है उसके हिसाब से हम यहाँ पर रेट कंसीडर करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये रेट केवल फॉलो किया गया है और किसी एग्रीगेट का। अब आप देखेंगे कि नीचे आए और नीचे आकर हमने एक बात यहाँ पर देखी कि बैच मिक्स्ड ऑफ M20 ग्रेड, मतलब M20 ग्रेड रहेगा तो उसका रेट क्या होगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, विदाउट अप्रूव्ड कॉन्क्रीट पंप M20 का रेशो और उसका विदाउट अप्रूव्ड कॉन्क्रीट पंप, मतलब कॉन्क्रीट पंप अप्रूवल नहीं मिले तो वहां पे हमें 4491 रुपये रेट मिलेगा। यदि आपने कॉन्क्रीट पंप को यूज किया है तो वहां पे आपको 4644 रुपये मिलेंगे। जो आपका वैरायटी रहेगी किसकी वैरायटी, आपके एग्रीगेट की, वो पाखुर रहेगी इन ग्राउंड और फाउंडेशन पार्ट के लिए। यहां पर रेट दिया गया है फाउंडेशन और ग्राउंड के बाद जो मिलेगा वो हमको एक्स्ट्रा रेट मिलेगा, वो नीचे हमें दिया गया है। अब आगे देखेंगे तो M25 ग्रेड की यहाँ पे बात करें, बैच मिक्स्ड M25 ग्रेड, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने CGSOR जब पढ़ते टाइम कि M25 से नीचे के जितने ग्रेड होते हैं वो हम कॉन्क्रीट मिक्सर में बना सकते हैं, लेकिन M25 से जितना भी ऊपर हमें ग्रेड बनाना है वो बैच मिक्स्ड कंक्रीट बनता है हमेशा। तो यहां पर M25 ग्रेड है यहां पर हमारे किसका, कंक्रीट का, और यहां भी सेम पाखुर वैरायटी का हमको यूज करना है एग्रीगेट ग्राउंड और फाउंडेशन का पार्ट का। पैसा दिया गया है विदाउट कंक्रीट पंप, पैसा है यहां पर 4831 रुपये क्यूबिक मीटर, और विदाउट विद पंप दिया गया है 4984 रुपये यदि हम कोलकाता में वर्क करेंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए आगे रेट दिए गए हैं यहां पर, जिस डिस्ट्रिक्ट का आपने वर्क उठाया है आप उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर रेट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में तो आपको उसी का रेट यहाँ से इंक्लूड करना पड़ेगा अपने बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते टाइम। आगे देखेंगे तो M30 का रेट भी हमको दिया गया, M30 ग्रेड है और यहाँ पर हमको जो यूज करना है सेम पाखुर वैरायटी का एग्रीगेट इन ग्राउंड फ्लोर और फाउंडेशन पार्ट में। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बता दूं, डिजाइनिंग करने के लिए मिक्स डिजाइनिंग करने के लिए IS कोड 10262 यूज होता है और 456 हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टिंग द मिक्स को, मतलब मिक्स के ट्रांसपोर्टिंग के लिए IS कोड 456 और IS कोड 10262 हम यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए, डिजाइनिंग पार्ट के लिए हम यूज करते हैं।
तो डिजाइन करने के बाद अगर मुझे यहाँ पर मैं M30 का ग्रेड प्रोवाइड कर रहा हूँ विदाउट कॉन्क्रीट पंप, तो मुझे रेट मिलेगा 4983 रुपए क्यूबिक मीटर यदि मैं कोलकाता में वर्क करूंगा, और विद अप्रूव्ड कॉन्क्रीट पंप मुझे रेट मिलेगा यदि मुझे 5136 रुपए रेट मिलेगा पर क्यूबिक मीटर यदि मैं कोलकाता में वर्क करूंगा। इसके बाद आप देखेंगे M35 का रेट भी हमें दिया हुआ है यहाँ पर, कंप्लीट वही चीज दी है M35 के लिए, और लास्ट हमको M40 दिया गया है। M40 के अलावा किसी भी चीज का हम आगे ग्रेड नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्डिंग वर्क के लिए जो हाईएस्ट ग्रेड होता है कंक्रीट का वो M40 रखते हैं, M40 से आगे नहीं जाते किसी भी गवर्नमेंट SOR के वर्क में। अब आप लोग एक चीज देखेंगे यहाँ पर लिखा है नोट इफ ट्रांजिट मिक्सचर इज नॉट यूज्ड देन ₹135 पर क्यूबिक मीटर इज टू बी डिडक्टेड। अगर ट्रांजिट मिक्सर आपने यूज नहीं करा है अपनी साइड से तो ₹135 पर क्यूबिक मीटर आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ऑल आइटम जो 12 से 16 जो ही मैंने पढ़ाई थी आपको। यदि आप ट्रांजिट मिक्सर यूज नहीं कर रहे हैं तो ₹135 पर क्यूबिक मीटर उसमें से डिडक्ट कर दें, क्योंकि ₹135 पर क्यूबिक मीटर ट्रांजिट मिक्सर का यहाँ पे चार्ज दिया गया है। अब इसके बाद अब इनका सप्लाई का रेट, जैसे कि देखो आप लोग देख रहे हैं सप्लाइंग यहां पर ग्राउंड फ्लोर विद अप्रूव कंक्रीट पंप अलग अलग रेट दिए गए हैं। सप्लाइंग रेडी मिक्स्ड कंक्रीट M20 ग्रेड विद बेल ग्रेडेड स्टोन चिप्स, इनका रेट भी हमें यहां पर दिया गया है ₹519। इस तरह से यहां पे आगे रेट्स हमको दिए गए हैं। अब मैं आपको एक चीज यहां पे एक्स्ट्रा पढ़ाता हूं कि एक यहां पर कि रेनफोर्समेंट का रेट कैसा मिलेगा। तो रेनफोर्समेंट के रेट के लिए हम चलते हैं यहां पर 43 पेज नंबर पर, और 43 पेज नंबर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है यहां पर रेनफोर्समेंट फॉर रेनफोर्स कंक्रीट वर्क इन ऑल शॉर्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर, शॉर्ट्स मतलब कि सभी तरह के स्ट्रक्चर के लिए यहां पर इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार स्टीरअप्स बाइंडर्स एक्सेट्रा इनिशियल स्ट्रेटनिंग एंड रिमूवल ऑफ लूज रस्ट इफ नेसेसरी कटिंग टू रिक्वेस्ट लेंथ, मतलब आपको उसकी कटिंग लेंथ निकालनी है, बार को स्ट्रेट करना है, बाइंडर लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड करनी है, स्टीरअप ये भी वर्क हो सकता है, ये वर्क बता रहे हैं हमको, हुकिंग एंड बेंडिंग बेंड भी करना पड़ सकता है टू करेक्ट शेप। अब करेक्ट शेप कौन सी होगी, जो हमको ड्रॉइंग में प्रोवाइड की गई होगी वो हमारी प्रॉपर शेप रहेगी। अब यहां पर आप देखेंगे यदि आपने फॉर वर्क, अब देखिए यहां पे क्या बोल रही है, फॉर वर्क इन फाउंडेशन एंड अप टू रूफ ऑफ ग्राउंड फ्लोर अप टू 4 मीटर, 4 मीटर तक के वर्क का यहां पे पैसा है, इसके अलावा हमको एक्स्ट्रा रेट मिलता है वो यहां पर लिखा गया है इसके बारे में। अब आप देखेंगे यहां पर यदि हमने टॉर स्टील माइल्ड स्टील यूज करा है, मतलब टॉर या माइल्ड हमने यूज करा है, कंपनी सेल का हो सकता है, टाटा का हो सकता है या RNL का हो सकता है, तो पर मैट्रिक टन ₹58,249 मिलेंगे यदि मैं कोलकाता में वर्क करूंगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी यहां पे अलग अलग रेट दिए गए हैं, आप लोग देखेंगे अलग अलग रेट दिए गए हैं। जैसे मैं हावड़ा हुगली का बात करूं तो ₹58,103 हावड़ा में मिलता है हमको इसका रेट, सेम आइटम है लेकिन रेट डिफरेंट हो गया, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में जो इसका रेट रहा होगा वो कम होगा, इसलिए यहां पर हावड़ा में हमने कम कर दिया रेट। यहां पर अलग अलग फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं, वो मटेरियल की आपके सप्लाई हो सकता है, इसके अलावा आपका कंप्लीटली वहां पे लेबर प्रोडक्टिविटी हो सकती है, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है, इसलिए रेट कम ज्यादा जरूर होता है, फ्लक्चुएशन होता है रहता है। कितना सिटी से बाहर है कितना सिटी से अंदर है, इस कंप्लीटली फैक्टर्स अफेक्टिंग है जो रेट एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि अदर देन, मतलब इन कंपनी के अलावा किसी और कंपनी का मैं यूज करूंगा तो मुझे ये रेट यहां पे मिल रहा है ₹55,776। अब यहां पर एक बात और कह दिया आप लोगों के लिए, ऐड करना है एक्स्ट्रा ओवर द रेट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर इनिशियल 4 मीटर फॉर ईच बेसमेंट फ्लोर एंड ईच एडिशनल फ्लोर, हर एक फ्लोर के लिए मुझे, देखिए जैसे 4 मीटर से आगे गए हम तो हर एक फ्लोर के लिए मुझको क्या करना है, ₹48 क्विंटल रेट एक्स्ट्रा करना है, दूसरे फ्लोर के लिए फिर से ₹48 क्विंटल एक्स्ट्रा करना है। क्यों, क्योंकि लेबर रेट है, लेबर को दूसरे फ्लोर पे ले जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी वर्डन ज्यादा होगा, इसलिए रेट भी हम ज्यादा लेते हैं यहां पर। अब एक चीज और पढ़ाता हूं यहां पर मैं आपको कि डैम प्रूफ कोर्स का रेट कैसा मिलेगा। तो देखिए यहां पर डैम प्रूफ कोर्स का रेट मैं यहां पर दिखाता हूं आप लोगों के लिए, तो देखेंगे यहां पर डैम प्रूफ कोर्स यहां पर लिखा है 25 mm का, यदि आप डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करेंगे तो आपको किस हिसाब से रेट मिलेगा, 1.5-3 का रेशियो यूज करना है आपको, जिसमें 10 mm का मैक्सिमम साइज होना चाहिए आपके एग्रीगेट का। यहां पर आपको जो है ₹186 स्क्वायर मीटर, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कुछ PWD स्टेट PWD होते हैं जो क्यूबिक मीटर में सॉल्व आउट कराते हैं आपके डैम प्रूफ कोर्स को, और CPWD आपका स्क्वायर मीटर में देता है, क्योंकि यहां पर 25 mm क्या कर दिया इसने, फिक्स कर दिया, दैट इज एक डायमेंशन फिक्स हो गई, मल्टीप्लाई करनी है 2 डायमेंशन के, इसलिए स्क्वायर मीटर में।
तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपका जो SOR है, आपका जो दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट है, या आपके किसी भी PWD का SOR हो, हाउसिंग बोर्ड का SOR हो, उसमें डैम प्रूफ कोर्स का रेट किस में दिया गया है। अगर आपको स्क्वायर मीटर में दिया है तो आपको लंबाई चौड़ाई लेनी है, अगर आपको क्यूबिक मीटर में दिया हुआ है तो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद यहां पर देखेंगे कि इसमें ये एक ऐसा डैम प्रूफ कोर्स है जिसमें आपका बिटुमिन कोट भी मिला दिया। देखिए कोट ऑफ बिटुमिन BG40 ग्रेड है इसका बिटुमिन कोट का, तो इसका रेट हो गया 259 रुपीज। मतलब इंक्लूडिंग बिटुमिन कोट, यहां पर बात कह दी कि बिटुमिन कोट का अलग से आप आइटम कैलकुलेट मत करो, आप इसी के अंदर उसका रेट इंक्लूड कर दो, इसी के अंदर रेट उसका उठा लोगे। 40 mm का यदि डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड किया है आपने तो आपको 290 रुपए स्क्वायर मीटर मिलेंगे। तो यहां पर रेट मिलेगा हमको 290 रुपए स्क्वायर मीटर। तो इतने पार्ट तक का 50 mm का किसी भी तरह का यहां पर हमको प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो दोस्तों अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल का SOR कैसे हमने रीड आउट किया एक एक आइटम। देखिए केवल आपको रीड आउट करना है एक बार और उसका मतलब समझा। जैसे मैंने आपके लिए बिल ऑफ क्वांटिटी पार्ट में रखा था SOR को रीड आउट, इसी तरह से हम उसको रीड आउट करेंगे और कंप्लीटली कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और आता है यहां पर, एक हमारे इंजीनियर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने SOR यूज करते हैं 2015 अभी चल रहा है 2020, या आप 18 यूज करते हैं, आप यूज कर अब आ रहा है 2020, तो कैसे रेट एक सा रह सकता है। देखिए रेट सेम नहीं होगा मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन आइटम सेम रहेगा। ये आइटम कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये रेट चेंज हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का आपको बताया, ये केवल एक ही मोटिव था कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पहुंच जाए आपके पास, और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज या ईयर वाइज चेंज हो रहे हैं रेट, कोई इशू नहीं होता, आइटम सेम रहेंगे, आइटम कभी भी यहां से आगे पीछे नहीं होंगे, आपके रेट चेंज हो सकते हैं। तो आपको बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते टाइम तब का SOR यूज कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2022 भी आ गया, 2022 में आइटम सेम रहेंगे, रेट हो सकता है ज्यादा हो, तो आप उस दर BOQ जब बनाते टाइम, बिल ऑफ क्वांटिटी बनाते टाइम, बस रेट वाले टेबल में रेट चेंज करना होगा आपको। क्वांटिटी आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से रहेगी, ऑब्वियसली देखिए क्वांटिटी भी तो चेंज हो रही है, सेम रेट भी चेंज हो रहा है आपका, लेकिन आइटम कभी भी चेंज नहीं होता। तो दोस्तों आज के डाउट सेशन में आपने कंप्लीटली जाना अपने डाउट्स के बारे में, और साथ में जो हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी हम जब बनाते हैं तो शेड्यूल ऑफ रेट्स यूज करते हैं डिफरेंट स्टेट का, वो भी यहां पर मैंने कंप्लीटली बताया। इसके लिए बस आपको आइटम्स को रीड आउट करना मेन होता है, बाकी आपका सिंपल पार्ट यहां पे कंप्लीट किया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ, ऐसे ही डाउट सेशन आप लोगों के लिए कंटिन्यू पूरे वीक चलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अलविदा रहता हूं, नेक्स्ट मंडे फिर से आप लोगों के लिए डाउट सेशन लाया जाएगा। बने रहिए सिविल गुरुजी, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ।